फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। गर्भवती इनोवेटर्स एंड प्रमोटर्स के मालिक संजय भाटी द्वारा किए गए अरबों के बाइट बोट फर्जीवाड़े में पुलिस ने अभी केवल दो आरोपियों के खिलाफ 5 केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। खास बात यह है कि इन 5 केस में राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पीड़ित निवेशकों के केस शामिल हैं। वहीं पुलिस की केस डायरी में कुल 38 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। इनमें संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, पीए रीता चौधरी और बीएन तिवारी का नाम भी शामिल है। वहीं 10 आरोपी जिला कारागार में बंद हैं और 10 आरोपियों पर पुलिस 25,000 का इनाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी भी 28 नामजद पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब तक भी पुलिस के हाथ नाकामी क्यों लग रही है। बाइक बोट स्कैम पीड़ित लगातार खुद कोशिशें करके इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही निरंतर निराशा दिखा रही है। इस मामले में पहला केस दर्ज कराने वाले सुनील मीणा के अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने फरवरी से लेकर अप्रैल तक दादरी थाने में दर्ज कराए गए 5 केस में सैकड़ों पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है और आरोप पत्र का अध्ययन किया गया है। जाहिर है, अध्ययन में पता चला है कि पुलिस ने फर्जीवाड़े के संबंध में जानकारी दी है, लोगों का पैसा एक साल में दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार उन्हें बनाया गया। कंपनी के पदाधिकारियों ने पर्चे बांटकर और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के लोगों को अपने जाल में फंसाया और मोटा कमाया, जिसके बाद एक एक करके लोग जुड़ते चले गए और लोगों को हर महीने दी जाने वाली किश्त रोक दी गई। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद आरोपियों ने निवेशकों को पोस्ट डेटेड चेक सौंपे जो कि बाउंस हो गए। यहाँ पर एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गर्भवती इनोवेटर्स कंपनी बताता है कि उनके खुद के 2 बैंक हैं, लेकिन उन बैंकों की काली सच्चाई क्या है, सुनिए एक बाइक बोट पीड़ित ने एक बैंक बताया था अपना, नोबल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो सेक्टर 22 नोएडा में है। संजय भाटी कहता था कि ये बैंक भी हमारा है, यानी कि कंपनी का है, गर्भवती कंपनी का। तो इस बैंक से जो 2.5 लाख चेक इशू हुए, जो PDC चेक जो दिए गए पब्लिक को जो बांटे गए, उन पर फर्जी सिग्नेचर हैं तकरीबन 20 से 22 तरह के। मैं उन चेक को लेकर के पहुंचा था उस बैंक की ब्रांच में और बैंक मैनेजर से मैं जाके मिला था, उनका नाम शायद राजेश कुमार है, उनसे मैं मिला था जाके आज से 4 महीने पहले। तो बैंक मैनेजर मुझे कहते हैं कि आपके जितने भी चेक हैं समय आने पर सब के सब पास कर दिए जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सिग्नेचर हैं अलग अलग हैं, क्या आप इन सब सिग्नेचर को RBI की गाइडलाइन के हिसाब से सही मानते हो? बोला आप इन चीज़ों में मत जाओ, आपका पैसा पास कर दिया जाएगा, पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का ही बैंक है। तो वहाँ भी एक घोटाला है बहुत बड़ा, ये बैंक जो है, बैंक ने भी फर्जीवाड़ा किया है संजय भाटी के साथ मिलके, उस बैंक की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल सितंबर की आने वाली 15 तारीख को कोटगांव दादरी बाइक बोट ऑफिस में पिछले 100 से भी ज्यादा दिन से चल रहे धरने को आगे बढ़ाते हुए बाइक बोट पीड़ितों ने एकत्रित होकर धरना देने की बात कही है, जहां एक बार फिर इंसाफ की गुहार शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल पीड़ितों का कहना है कि वो SIT की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और ये जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए ताकि मामले की बेहतर तरीके से सुनवाई हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे इस मामले की और भी अपडेट को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।